हाय गाइस, वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल फेशियल केयर ऑन सेल्फ। फ्रेंड्स, आपको एक्ने है, पिंपल है, जिसकी वजह से आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं? डोंट वरी फ्रेंड्स, आज मैं दो अमेजिंग ब्यूटी टिप्स लाई हूँ, जिसको यूज करके आपका एक्ने और पिंपल से आपको राहत मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या क्या लेना है। पहले तो लेना है तुलसी। तुलसी एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर रहता है, इसके वजह से एक्ने और पिंपल को रिमूव करने में ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, और एक्ने का जो पेन होता है उससे भी ये रिलीफ देता है। तो इसके लिए पहले मैं तुलसी लूंगी। तुलसी फ्रेंड एंटीबैक्टीरियल होने के वजह से ये एक ब्लड प्यूरिफाई का भी काम करता है, और जो मैं दो टिप्स दिखाऊंगी फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत इजी भी है। इसको यूज करने से, मैं पहले ही बोली हूँ, 100% आपका एक्ने रिमूव होगा। इसके लिए मुझे एक मुट्ठी तुलसी चाहिए। ये एक मुट्ठी तुलसी मुझे मिल गया है, और मुझे लेना है नीम। नीम भी पिंपल के लिए और एक्ने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और इस पैक को बनाने के लिए मुझे एक मुट्ठी नीम पत्ता लगेगा और एक मुट्ठी तुलसी लेना है। और आपको लेना है लौंग। लौंग भी फ्रेंड्स एक्ने के लिए, पिंपल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, पर इसको हम लोग ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। इसको सिर्फ दो ही लौंग मुझे लेना है, ये दो लौंग मुझे ऐड करना है। और इसको आप क्या करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद मैं बोलूँगी। इसके साथ फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो आपके पास लेके आऊँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अभी मैं बोलने जा रही हूँ इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ये जो तीनों को मैं ऐड करके एक बर्तन में रखी हूँ, इसको आप एक ग्लास पानी में गैस ऑन करके उसको पहले उबाल लीजिए। 5 मिनट उबालने के बाद गैस को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करके उसका जो वेपर निकलेगा, वो वेपर यानी स्टीम आपको लेना है। गैस को ऑफ करके फिर उससे जो धुआं निकलेगा, उस धुआं को आप अपने चेहरे पे लगाइए। ये तीनों को जोड़ के इसमें एक ग्लास पानी दे के उसको उबालना है 5 मिनट के लिए। फिर आपको गैस ऑफ करके फिर इसके ऊपर अपने चेहरे को रख के उसका जो वेपर निकलेगा, जो स्टीम निकलेगा, उस वो आपको लेना है। वो 5 मिनट आप हर रोज लीजिए, हर रोज, जब तक ना आपका स्किन से पिंपल रिमूव ना हो। और इसके बाद इसका पानी जब ठंडा हो जाएगा, उस पानी को आप अपने डीप फ्रीज में स्टोर करके इसको आइस क्यूब बना लीजिए, और दिन में 2 टाइम इस आइस क्यूब से अपने जहाँ पे भी आपका एक्ने है वहाँ पे इसको हल्का सा रब कीजिए, और इसको आप लगातार करते जाइए। और इसके बाद मैं सेकेंड टिप्स में आती हूँ। ये टिप्स फ्रेंड्स सेकंड टिप्स है। इसके लिए पहले तो आपको लेना है कपूर। और फ्रेंड्स, जिनको भी बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है, एक्ने से दर्द हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा साइज का एक्ने हो गया है, उन लोगों के लिए ही ये टिप्स है, क्योंकि इसमें मैं लौंग का तेल ऐड करूँगी। लौंग का तेल बहुत डेंजर होता है स्किन के लिए, ये आपका स्किन को जला भी सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं जिन मात्रे में आपको लौंग का तेल को यूज़ करने को बोलूँगी वही मात्रे में आपको लेना है। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप पैक फेंक के फिर से नया से पैक बना के फिर यूज़ कीजिए। और इसको मेरे जो मैं नाप बोलूँगी उसी नाप में आप लेंगे तो आपका बेनिफिट ही होगा, पिंपल रिमूव हो जाएगा। पहले तो आपको इस कपूर को पूरा डस्ट बना लेना है, तोड़ के। मैं इसको पूरा तोड़ के डस्ट बना लूँगी, फिर इसमें लौंग का तेल ऐड करना है। इस वीडियो को देख के आपको लगे कि ये बेनिफिट दे रहा है आपको, तो ज़रूर मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए, और आपके फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले पाए। और इस वीडियो को रिलेटेड कोई भी मन में सवाल हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स जा रहा है उसमें आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उसका आंसर देने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कपूर का जो डेला था वो पूरा तोड़ ली हूँ, ये शायद लाइट में नहीं दिख रहा है। तो अभी मुझे इसमें लौंग का तेल ऐड करना है। एक माचिस की तीली को लीजिए, फिर उसका 1/3 पार्ट पीछे का जो वाइट पोर्शन है, 1/3 पार्ट आपको भिगाना है इस लौंग का तेल में डाल के तुरंत निकाल लेना है। फिर उस
को लेके आपको कपूर में ऐड करना है। ये देखिए, ये मैंने ये देखिए, ये 1/3 पार्ट है तिली का। अभी इसको मुझे ऐड करना है कपूर के साथ, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर मिक्स करके मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। मेरे हाथ में ही आज आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल नहीं है। जिनको ज़्यादा है वो इसको अप्लाई करके देखिए, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ध्यान में रखिए, लौंग की तेल ज़्यादा ना हो, थोड़ा ही लेना है। एकदम माचिस की तिली के पीछे से थोड़ा हल्का डाल के निकाल लेना है। और उंगली से ऐसे आपको, आपका जहाँ पे भी एक्ने है या पिंपल है वहाँ पे इसको लगा के 5 मिनट रखना है। 5 मिनट बाद कोल्ड वाटर से धो लेना है। इस टिप्स को फ्रेंड्स आप हफ्ते में 2 दिन यूज कर सकते हैं। इन दोनों टिप्स को फ्रेंड्स, जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने है वो अप्लाई कीजिए, और जिनको थोड़ा बहुत एक्ने है वो पहला जो मैं टिप्स बोली हूँ उसी को सिर्फ अप्लाई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।